Hey guys, Assalamualaikum, welcome to my new vlog. So guys, आज हम बैठ लो अभी में जो आए ना, आज हम लोगों ने सबसे पहले अपने सिल्कीज वगैरह के जो भी हमारे पास अंडे थे ना, हमने उनके हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर में रख देने, जिसके लिए जो इंक्यूबेटर में कल लेकर आया था हमारे मतलब आपको मत सिखा चल तो आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो आज हम उनको जाके हैचिंग के लिए अंडे रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने बर्ड्स को जो है लॉबी में खोलेंगे, खाना पीना देंगे। और एक टर्की जो है ना, वो मुझे आज थोड़ा डल सा लग रहा था, तो उसको दवाई वगैरह देंगे, फिर उसके बाद हम बाकी देखूँ। अरे वाह भाई, आज तो टर्की फुल मूड में है। लेकिन इसकी जो फीमेल जो है ना, वो थोड़ी बीमार है, क्योंकि मैंने ऐसे नोट किया, ये इसने बिट की और इसकी बिट में आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, तो इसकी तबीयत ख़राब है। अभी हम इसको लहसुन और टेरामाइसिन का एक कैप्सूल खिलाएंगे, सही है। और फिर हम अपने आज अपने पिजन्स को भी जो हमने थोड़ा आज़ाद करेंगे, खोलेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस, पहले जो है ना, मैं इस पिजन्स का जो बेबी है ना, इसको हम लोग उड़ाएंगे, और उसके साथ हम लोग जो हमारे पास उड़ने वाले पिजन्स है ना, जैसे कि हम जो अक्सर उड़ाते हैं, वो फीमेल जो इस मेल के पीछे है और ये वाले, इन दो को उड़ाएंगे, और फिर ये ब्लैक वाला हम बैकअप में रखेंगे, ताकि अगर हमारा वो बच्चा कहीं उतरने लगेगा तो हम इसको भी उड़ाएंगे, ताकि फिर ये जो है ना, ये करीब घर के घूमता रहता, तो वो इसको देख के घर के करीब ही आके उड़ेगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम अपने पिजन्स को उड़ाते हैं, फिर उसके बाद बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। टर्की को मैंने असल में मेडिसिन पहले दे दिया था कैप्सूल, तो टेरामाइसिन का वो आप लोगों को मैं दिखाया नहीं ब्लॉग में, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो भी ट्रीटमेंट करूँगा और जो उसकी बीमारी होगी, उसको डायग्नोस करके जो ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आपको वो भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। देखें, फीमेल थोड़ी डल है, मेल माशाल्लाह से पूरा एक्टिव है, और वो अपनी डांसिंग उसमें आया भी है मूड में। खैर, अभी हमने ये पिजन हमारे से गलती से छूट भी गया, तो हमने सोचा इसको थोड़ा उड़ाएँ और इसके साथ दूसरे पिजन भी उड़ाएँगे। तो सबसे पहले हम इसको पिजन्स को उड़ाते हैं। चलो हमदा लेकर आओ। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Guys, दुआ करें कि हमारा टर्की जो है ना, वो जल्दी ठीक हो जाए। नहीं हमजा, वो नहीं उड़ेगा अभी, छोड़ो, वो अभी छोटा है ना, वो भी नहीं उड़ेगा। तुम जाओ, तुम्हें मैंने वो इनका दाने के लिए बोला था ना, जाके उसको शॉप वाले को बोल कर आओ कि वो इसका दाना भिजवा दे जानवरों का। जाओ हमजा, ये उड़ते रहेंगे, तुम जाके दाने का बोल कर आओ जल्दी। हमजा दाना वगैरह लेकर आता है, हम आपको सिल्की से मिलवाते हैं। मसला था, हमारे सिल्कीज ठीक हैं और अंडे वगैरह भी दे रहे हैं। पॉली भी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। और ये हमारा पास पेयर इधर बैठा हुआ है, खाना वाना दे दिया है। तो गाइस, अभी हमने इसको भी जो है ना, हमजा आ जाए तो इसको हम नीचे छुड़वाएंगे, काफ़ी देर हो गई। हाँ आ गए, क्या है ये, बाहर से मिला? हुई हुई, ये तो बहुत ज़ख्मी हालत में है, इसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से मिला ये? नीचे पड़ा। अच्छा, दुकान वाले रास्ते में, दुकान वाले का तो नहीं था, पता कर लिया उससे? भाई, इस कबूतर के बच्चे पे ना, मेरे ख्याल से कौओं ने अटैक किया है और इसका बहुत बुरा हाल है। इसकी एक उंगली भी कटी हुई है, इसके यहाँ पे भी बहुत गहरी चोट आई हुई है, और बेचारा कमज़ोर भी बहुत है। चलें गाइस, इसका ट्रीटमेंट करेंगे आज, और इसको एक हेल्दी और एक्टिव पिजन बना के रेस्क्यू करेंगे आज। ये देखें, अभी हम अपने टर्की बर्ड को लहसुन में हल्दी मिला के उसके मुंह में डालेंगे,
ताकि वो ये खाए, तो इससे इसका जो भी नज़ल ज़ुकाम होगा ना वो बेहतर हो जाएगा। गर्दन नहीं दबाओ, गर्दन नहीं दबाओ, खुद निकलेगी, गर्दन नहीं दबाओ, जल्दी जल्दी डालो ना उल्टी कर देगी, उंगली नहीं डालो उल्टी आ जाएगी। ऐसे खिलाते रहो, उंगली नहीं डालो, बस छोड़ दो छोड़ दो, अब ये बेहतर हो जाएगी ये तबीयत। चलो अब ये पीजन का बच्चा उठाओ जो लेकर आए जिसका। तो गाइस अभी हम इसके जख्मों पे सरसों का तेल और उसमें हल्दी मिला के लगाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ताकत का सीरप और कैल्शियम दे देंगे। सो पब्लिक पहले हम थोड़े थोड़े सिरिंज इसकी ये ताकत की दवाई है, ये कमज़ोरी में जो है ये उससे इसको रिकवरी होगी, थोड़ी ताकत आएगी इसमें, ये हम इसमें थोड़ी सिरिंज ताकत का मिला देंगे। ये हमने तकरीबन 1 cc ताकत का सिरप ले लिया, 1 cc भी कम ले लेते हैं, 1/2 cc ले लेते हैं, 1/2 cc ताकत और दोनों मिक्स। थोड़ा सा दवा कैलपूल इसमें मिला दी बुखार की, क्योंकि इसको चोट लगी हुई है ना और सर्दियाँ हैं, तो इसको ये दोनों चीज़ें ज़रूर लाजमी पिला देंगे। बुखार के सिरप से ज़रूरी नहीं है कि इसका बुखार ठीक हो, वो इसलिए भी यूज़ होता है कि इसका सबसे पहले हम ये सिरप पिला देते हैं, वरना ऑयली को हम पकड़ नहीं सकते। इसके करीब करो ना वीडियो, वहीं पे रुक जाओ, हम तो एक जगह रुक जाओ। सही है, ये हमने थोड़ा थोड़ा इसको ये पिला दिया, अब हम इसके ज़ख्म पे लगाएंगे। ये देखें इसका ज़ख्म, देखें आप लोगों को पहले इसका ज़ख्म दिखाता हूँ, तो ये बच्चा हिल रहा बहुत है, ये देखें हम कोशिश करते हैं कि इस वाले, ये देखें आप इसके बहुत ही ज़ख्मी है, हम इसमें पहले लगाएंगे ऑयल ताकि ना अगर ज़ख्म में खुश्क है तो वो खुश्की निकले, और फिर ऑयल वाले जितना हिस्सा है ना हमने लगाया इस पर हम छिड़क देंगे हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, ज़ख्म के लिए बहुत बेहतरीन डोज है, कहते हैं कि अगर वाइट बिट कर रहा हो ना परिंदा और हो भी एक्टिव तो आप उसको हल्दी खिला दो, क्योंकि उसके अंदरूनी कोई ज़ख़म या बीमारी होगी जिसकी वजह से वो वाइट बिट कर रहा है, तो वो उससे ठीक हो जाता है। तो अभी हमारी टर्की को हमने जो लहसुन में हल्दी मिला के खिलाई है तो इसी वजह से खिलाई है, क्योंकि लहसुन उसका लहसुन सही करेगा, वो जो हल्दी है वो जिस वजह से वाइट बिट कर रही है, अब ज़ुकाम की वजह से कर रही है, किसी भी चीज़ की वजह से, तो लहसुन उसमें उसको बहुत शिफा देगा। गाइस अब इंशाल्लाह इसके ज़ख्म तो हमने दवाई लगा दी है, अब इसी तरह हम 2-3 दिन कंटिन्यूसली इसको दवाई देते रहेंगे, और इंशाल्लाह जब ये रिकवरी में आ जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, फिर इसको रेस्क्यू करके जिधर से हमें मिला होगा हम उस जगह पे जाके इसको आज़ाद भी कर देंगे। अभी तो हमने अपने सारे बर्ड्स को खोले हुए हैं और जिनके साथ जो ट्रीटमेंट करा वो करके उनको थोड़ी देर धूप में छोड़ दिया, अभी हम अपने राजा को बाहर लेकर जाएंगे, और उसके बाद हमजा एक काम करो आप राजा को जब तक बाहर रहो, उसके बाद हम लोग जाते हैं, बल्कि आज इनक्यूबेटर का हम नहीं कर सकते, आज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको, हम इनक्यूबेटर जो है वो हमारा है AC DC, तो हमें उसके DC के लिए बैटरी चाहिए होगी, और बैटरी हमारे पास है तो गाड़ी की पुरानी लेकिन वो चार्ज नहीं है, तो हम उसको सबसे पहले जाके चार्ज करवाएंगे और एक चार्जर लेकर आएंगे जो कि हमारा AC करंट को चार्ज, इस DC बैटरी चार्ज करे, ताकि अगर लाइट जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है ना, सो कॉल्ड लाइटों का शहर कराची, क्या बात है सर, सो उधर लाइट बढ़ी जाती है, तो इसके लिए जो है ना हमारे पास अंडे हमारे ख़राब हो जाएंगे, तो हमें बैटरी बैकअप भी चाहिए होगा ताकि हमारे अंडों को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और वो बैटरी भी चलते रहे ना कंटिन्यूसली। सो गाइस अभी हम लोग अपने राजा को बाहर बांध दें, फिर आज तो अंडे नहीं
अंडे इंशाल्लाह हम अगले कल वाले ब्लॉग में हैचिंग के लिए रखेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए प्लीज जाएं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोकें, और हम चलते हैं कल के ब्लॉग की जानिब। अल्लाह हाफिज़।